क्लास इंस्टॉलेशन की थी हम लोगों ने। चलो अभी हम लिनक्स डायरेक्टरीज की इंस्टॉलेशन करते हैं। आते हैं सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। कोशिश कर ले जब भी लिनक्स की कोई भी यहाँ पे फ्लेवर हो, कोई भी वर्जन हो, तो आप इसको वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल कर ले, उसी के ऊपर काम किया करें, ठीक है। रियल सिस्टम इन्हें इंस्टॉल ना कर। अच्छा यहाँ पे न्यू में हम लोगों ने कहना कि यहाँ पे एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेनी है हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट कर ले यहाँ पे, यहाँ पे वर्चुअल मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे नेम टाइप कर ले। मैं यहाँ पे Red Hat 6 इंस्टॉल करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें यहाँ पे 64 bit कर लेते हैं, इसे नेक्स्ट कर ले। रैम मैं यहाँ पे इसे देता हूँ 2048, 2 GB से दे देता हूँ यहाँ पे, इसे नेक्स्ट कर ले। और आप क्या करें यहाँ पे, क्रिएट न्यू हार्ड डिस्क, या आपके पास पहले से इंस्टॉल पड़ी है तो अगर पहले से इंस्टॉल पड़ी तो आप यूज़ कर ले, और एग्जिस्टिंग जहाँ भी आपके पास Red Hat इंस्टॉल हो उसकी इमेज आप यहाँ से उठा सकते हो। नहीं, हम लोगों ने न्यू क्रिएशन करनी है वर्चुअल हार्ड ड्राइव की। क्रिएट न्यू हार्ड डिस्क, नेक्स्ट। यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन में मांग रहे हैं, क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, नेक्स्ट कर लेने यहाँ पे। अब यहाँ पे डायनेमिकली एक्सपेंड स्टोरेज, जो भी आप हार्ड डिस्क स्पेस दोगे डायनेमिकली जाके से होगा ना, आप लोग फिक्स साइज भी कर सकते हो। मैं डायनेमिकली कर लेता हूँ यहाँ पे से, नेक्स्ट कर ले। और इसकी लोकेशन कोशिश कर ले सी में ना रखें, ठीक है। एक तो वैसे भी सी ड्राइव के ऊपर लोड ज़्यादा है, बूट ड्राइव है। मैं डी में कोई यहाँ पे दे न्यू यहाँ पे से Red Hat के नाम से, Red Hat 6 के नाम से कोई फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और इसी में इमेज रखते हैं .vdi वर्चुअल डिस्क इमेज, इसे यहाँ पे सेव कर ले। यहाँ पे मैं रैम यहाँ पर सॉरी हार्ड डिस्क यहाँ पे रख लेता हूँ, 32 GB सही है। और यहाँ पे आपके पास 8 भी सही होगा, लेकिन 32 कर लेते हैं। कुछ फीचर्स अगर आगे से इंस्टॉल करनी हो, नेक्स्ट कर ले से फिनिश, यहाँ भी से फिनिश कर ले। अब जब यह आपके पास आएगी तो आप स्टार्ट में आ जाए, यहाँ पे सेटिंग में आए। सेटिंग में यहाँ पे स्टोरेज में आप यहाँ पे इसके इमेज यहाँ से पिक कर ले, एट्रीब्यूट भी से। इमेज मेरे पास कौन सी है, यहाँ पे Red Hat 6.0 64 bit और 86 bit, मतलब 32 bit दोनों है, इसे ओके कर ले। अब यहाँ पे इसे स्टार्ट कर ले। जो आप इसे अब स्टार्ट करोगे, एक चीज़ याद रखें, अगर आप वर्चुअल बॉक्स पे इंटर हो गए यहाँ पे, इसे बाहर निकलने के लिए यहाँ पे के पास क्या लिखा होगा, कंट्रोल राइट कंट्रोल प्रेस करें तो आप फिर बाहर निकल आ सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे इंटर कर लेता हूँ, इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल सी से आप फुल स्क्रीन कर सकते हो इसे यहाँ पे। इसे स्किप कर लें, ये मीडिया पे टेस्ट कर रहे हैं रैम हार्ड डिस्क वगैरह, आप इसे यहाँ पे राइट एरो से स्किप कर लें इसे। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इसके मोर ऑप्शन आ रहे हैं इंस्टॉलेशन के। ये मेरे पास क्या आ रहा है, Red Hat Enterprise Linux 6 इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो नेक्स्ट। तो विजर्ड आपके पास, नेक्स्ट कर लें। और आपके पास यहाँ क्या आ रही, व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू यूज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, इंग्लिश सही है। मेरे पास पश्तो भी आ जाए तो हमें पश्तो की समझ नहीं आती, ठीक है मेरे भाई, पश्तो बोल सकते हैं, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज है लेकिन पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते। और यहाँ पे मेरे पास कीबोर्ड अप्रोप्रिएट US इंग्लिश करें, नेक्स्ट। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस विल योर इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व। अब बेसिक स्टोरेज डिवाइसेस है या यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज स्टोरेज डिवाइसेस, आपके पास सेन हो, ठीक है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो, या आपके पास FCOEO इथरनेट के ऊपर वहाँ पे काम करो, या फिर आप क्या एक्सक्लूसिव ड्राइव हो, लेकिन मैंने काम करा है तो बेसिक स्टोरेज के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर, जस्ट इन्हें नेक्स्ट कर ले। इसे यहाँ पे रीइनिशियलाइज ऑल कर ले, क्या कर ले, रीइनिशियलाइज ऑल। इसको आप क्या होस्ट नेम देना चाहते हो तो होस्ट नेम यहाँ से दे सकते हो, CCIE Academy, मैं इसे यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अमेरिका न्यूयॉर्क ना कर ले, जहाँ आपके पास लोकेशन है आप वो सेलेक्ट कर ले, ठीक है।
جس نماز آئے گا نہیں اس پہ رونا پڑے گی اس پہ ٹھیک ہے اسپیسیفک کہاں پہ ایشیا میں یہ امریکہ ہے ایشیا تو یہاں پہ انڈیا انڈیا نہیں گزرا انڈیا تو گزرا لیکن پاکستان کے لیے نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو تب تک ویڈیو کو ہم پاس کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ایشیا کراچی پہنچا ٹھیک ہے یہاں پہ سے نیکسٹ کر لے اپنے ریجن کے حساب سے جہاں پہ ٹائم میں فکس کر لے کہاں پہ کراچی سلیکٹ نہیں ہوا شابش شیخ کابل کشمیر یہ کراچی ٹھیک ہے اسے نیکسٹ کر لیا یہاں پہ اب پاسورڈ دے دیا یہاں پہ پاسورڈ اگر میں یہاں پہ لکھوں جسٹ سی سی آئی لکھوں تو اس کو اس کے یہاں پہ چھ کریکٹر چاہیے ایٹ لیسٹ کتنے چھ کریکٹر میں اسے نیکسٹ کر لیتا ہوں تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں دا روٹ پاسورڈ مسٹ بی ایٹ لیسٹ سکس کریکٹر لانگ میں یہاں پہ پاسورڈ لکھ لیتا ہوں پی اے ڈبل ایس ڈبلیو آر ڈی پی اے ڈبل ایس ڈبلیو آر ڈی مگر یہ سیکیور پاسورڈ نہیں ہے یہ ہمارے پاس سیکیور پاسورڈ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ اسے نیکسٹ کر لیں یو ہیو پرووائڈیڈ اے ویک پاسورڈ اٹ از بیسڈ آن کیا ہے ڈکشنری ورڈ اگر کوئی بندہ ڈکشنری اٹیک کرے گا تو ایزیلی پاسورڈ ڈھونڈ لے گا ہمارے پاس کوئی اٹیک کرنے والے ہیں بھی نہیں سارے شریف لوگ ہیں یوز اینی وے ٹھیک ہے سین یہاں پہ بنتا ہے وچ ٹائپ آف انسٹالیشن ہوڈ یو لائک کچھ وزارڈز ہے آپ کو لینک سے کچھ ایسے وہاں پہ فلیورز ملیں گے صرف نیکسٹ نیکسٹ کر کے فنش کریں انسٹالیشن ہو جائے گی اصل میں ریڈیٹ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ریڈیٹ انسٹالیشن اس لیے یہاں پہ وہ کی ہے کہ یہاں پہ آپ کو آپ لوگ یہاں پارٹیشن کر سکو مینولی کچھ سمجھ سکو اس میں باقی جو میں نیکسٹ نیکسٹ فنش کرتا رہا اس کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں تھی امپورٹنس دوں گا تو اس چیز کو دوں گا یہاں پہ اس پوزیشن کے اوپر سب سے پہلے آ رہا ہے یوز آل اسپیس ہمارے یار دوست کیا کرتے ہیں جب لیننگ سے آپ انسٹال کرتے ہیں تو اپنے ریئل پی سی کے اوپر کام کرتے ہیں بجائے ریئل پی سی تو آپ لوگ ورچوئل باکس کے اوپر کام کر لیں تو یہاں پہ اس تعلق جب یہ آپشن لگاؤ گے تو کیا ہوگا ریموو آل پارٹیشنز آن دا سلیکٹڈ ڈیوائس سلیکٹڈ ڈیوائس اب کی ہارڈ ڈسک کی ہوگی دس انکلوڈ پارٹیشن کریٹڈ بائی ادر آپریٹنگ سسٹم اس کی کیا ہوگی یہاں پہ انکلوڈ پارٹیشن بھی اس کی ختم ہو جائے گی دس آپشن ول ریموو ڈیٹا فرام سلیکٹڈ ڈیوائس میک شیور یو ہیو بیک اپ اگر آپ کے پاس بیک اپ ہے تو اس میں انسٹال کر لیں نہ ہوا ضرورت نہیں نیچے آ جائے کیا لکھا گیا یہاں پہ سیکنڈ آپشن ریپلیس ایگزسٹنگ لینکس سسٹم اگر آپ کے پاس کوئی اور لینکس آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے کیا کرنا چاہتے ہو پہ اس کے اوپر انہیں ریپلیس کرنا چاہتے ہو جیسے آپ کے پاس کی بورڈ ہے اس کی بورڈ میں کوئی ایشو آ رہا ہے بٹنس یہاں پہ ٹھیک ہے ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ اس کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پہ کوئی اور کی بورڈ رکھ سکتے ہو آپ نے یہاں پہ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کی ہے آپ اسے ریپلیس کرنا چاہتے ہو تو آپ اسے یہاں سے ریپلیس کر سکتے ہو ریموو اونلی لینکس پارٹیشن کریٹڈ فرام پریویس لینکس انسٹالیشن جو پہلے سے آپ نے لینکس انسٹالیشن کی ہے ٹھیک ہے اسے آپ ریپلیس کرنا یا کیا کہتے ہیں ریپلیس کرنا چاہتے ہو دی ڈز ناٹ ریموو ادر پارٹیشن کسی اور پارٹیشن کو ریموو نہیں کرے گا یہ یو مے ہیو آن یور اسٹوریج ڈیوائس اس کے بعد کیا سچ ایز وی فیٹ اور فیٹ 32 یہ سسٹم فائل کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے سسٹم فائل ہمارے پاس کیا ہے ورچوئل فائل ایلوکیشن ٹیبل ہے آپ کے پاس یا فائل ایلوکیشن ٹیبل 32 بٹ سسٹم ہے یہ کیا کرے گا آپ کے پاس صرف اسی لینس کو ریپلیس کر لے گا ٹھیک ہے باقی پارٹیشن سے اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کے بعد کیا ہے تھرڈ آپشن ہمارے پاس ہے شرنک کرنٹ سسٹم شرنک ایگزسٹنگ پارٹیشن ٹو کریٹ فری اسپیس فار ڈیفالٹ لے آؤٹ اگر آپ کے پاس کوئی ڈیوائس ہے اس میں آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے تو یہ کیا کرے گا یہ اپنے آپ کو وہاں پہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو وہاں پہ انسٹال کرنے کے لیے اسپیس کو شرنک کر لے گا جس میں ڈیٹا ہو اگر آپ کے پاس ہارڈ ڈرائیو ہو 10 GB کی ہو ٹھیک ہے 10 GB میں نہیں جا کے وہاں پہ جگہ وہاں پہ
वो हमें कवर किया 4 GB की, तो इसे श्रिंक करके 2.5 GB तक ले आते हैं, फ्री स्पेस वो हमें क्रिएट कर देते हैं आपके लिए। उसके बाद ऑप्शन क्या है, यूज़ फ्री स्पेस, रिटेन योर करंट डेटा एंड पार्टीशन एंड यूज ओनली द अनपार्टीशन स्पेस ऑन अ सिलेक्टेड डिवाइस अज्यूमिंग यू हैव इनफ फ्री स्पेस अवेलेबल। अब इसमें क्या, इसमें सीन ही होगा आपके पास कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, लेकिन जो यहाँ पे फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस में ये इंक्लूड करके यहाँ पे क्या करेगा, उसी में अपनी इंस्टॉलेशन करेगा। हार्ड डिस्क के उसमें आपके पास यहाँ के लिए 40 GB की है, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसे भी इंस्टॉल लेने दो, अगर उसमें यहाँ पे आपके पास स्पेस थी फ्री में तो इसे भी इंस्टॉल कर लेगा, उसी के साथ ही रहेगा। लेकिन हम लोग को जो करना चाहिए, क्रिएट कस्टम लेआउट, मैनुअली क्रिएट योर ओन कस्टम लेआउट ऑन अ सिलेक्टेड डिवाइस यूजिंग योर पार्टीशन टूल। इसको हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली इसकी पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है, मैनुअली इसकी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, तो आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, हमारे पास जो हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, SSD एक पार्टीशन है, क्या मेरे पास एक पार्टीशन है यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे पास हार्ड डिस्क की स्पेस मैंने कितनी रखी थी, 32 GB, ठीक है, 32 GB फ्री है, मगर इसमें पार्टीशन किसी और तरीके से करनी है। इसमें करनी यूँ है कि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, कुछ स्पेस मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी बूट के लिए, किसके लिए, बूट फाइल्स के लिए, बूट फाइल्स के लिए एटलीस्ट आपको तकरीबन 5 से 12 MB तक स्पेस चाहिए, कितनी, 5 से 12 MB तक, मैं इसे बाई डिफॉल्ट 200 MB रख लेता हूँ। उसके बाद आपको स्वैप के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है, मैं खुद ही रख लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एज अ वर्चुअल मेमोरी, मैं इसकी वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज करना चाहता हूँ, या मैं इसको सेम एज अ रैम रखना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैं यहाँ पे रैम असाइन कर चुका हूँ 2 GB, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 2 GB और इसको स्पेस दे दूँ अपनी हार्ड डिस्क से, अपनी हार्ड डिस्क में से स्पेस दे दूँ एज अ मेमोरी, ये जाके यूटिलाइज कर ले, यूज़ कर ले। तो स्वैप मैं यहाँ पे 2048 कर लेता हूँ, अगर ज़्यादा हार्ड ड्राइव है तो आप इसे 4096 कर सकते हो। लास्ट में आपको एक चीज़ यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं, स्लैश, और इसे लोग यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश भी कहते हैं। असल में ये आपके पास रूट है, क्या है, रूट है, ये आपके पास मेन, आपके पास मेन हार्ड डिस्क जो है, हार्ड ड्राइव जो है, वो ये स्लैश वाली, बाकी जितनी भी स्पेस बचेगी आप सारी स्पेस इसी रूट को ही जाके असाइन करोगे। ये तीन पार्टीशन में तीन चीज़ें याद रख लें, ठीक है, ऐसे लिखना हो तो फिर बाद में लिखे, पहले इंस्टॉलेशन यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। तो आप यहाँ भी आ जाए, सिंपल यहाँ पे क्रिएट कर ले, क्या करें, क्रिएट, क्रिएट भी आ जाए, मुझे क्या करें, क्रिएट पार्टीशन, मुझे स्टैंडर्ड पार्टीशन करनी है, जनरल पर्पज़ पार्टीशन क्रिएशन, या क्रिएट सॉफ्टवेयर रेड, अगर आपने रेड के ऊपर काम की हो MCSE में या MCP या MCSA में, तो आप रेड अपने यहाँ पर ड्राइव के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है, मेरे ड्राइव के ऊपर यहाँ पर काम कर सकते हो, मैंने इन चीज़ों के ऊपर इस वक्त काम नहीं करना है, RAID 1, RAID 2, RAID 5, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्रिएट LVM के ऊपर काम नहीं करना है, फिजिकल वॉल्यूम के ऊपर काम नहीं करना है, जस्ट स्टैंडर्ड पार्टीशन के ऊपर काम करना है उन लोगों ने। जब एडवांस में आएंगे फिर शायद यहाँ पर स्टोरेज के ऊपर कुछ काम कर सके। तो क्रिएट कर ले, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे माउंट पार्टीशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे बूट के ऊपर स्लैश बूट के ऊपर क्लिक कर ले। अब इसके फाइल एक्सटेंशन है क्या, जैसे मेरे पास विंडोज़ में क्या थी, FAT32 NTFS, यहाँ पे EXT2 EXT3 जो लेटेस्ट है EXT4 है हमारे पास, EXT3 के ऊपर भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो, 4 के ऊपर भी कोई मसला नहीं, किसी के ऊपर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो इसकी सिस्टम फाइल जो है या फाइल सिस्टम है इसे EXT4 रख लें, एक्सटेंशन 4 रखें। इसकी यहाँ पे साइज मैंने कहा आप लोग यहाँ पे 5 से लेके 12 MB तक रख सकते हो, एटलीस्ट 200 MB से इट्स ओके, जैसे ने ओके कर लिया पे। उसके बाद यहाँ पे फ्री स्पेस, ये देखिए हम स्पेस यहाँ पे इसने कुछ दे दी किसको, बूट को, वापस यहाँ पे क्रिएट के ऊपर आए, क्रिएट के ऊपर आए, इसे यहाँ पे क्या कर ले, क्रिएट
और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइल सिस्टम टाइप के अंदर स्वैप उठानी पड़ेगी। क्या स्वैप के ऊपर क्लिक कर ले, मैंने इस कुछ स्पेस देनी है यहाँ पे 4096, ठीक है। कीबोर्ड से अगर यहाँ पर नम लॉक सुना हो तो ऊपर नंबर लिखिए से आप ये असाइन कर लें 40, पहले से रेस कर ले 4096, मतलब 4 GB मैं अपने हार्ड डिस्क से स्पेस देना चाहता हूँ कि एज ए मेमोरी यूज़ कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एडिशनल साइज ऑप्शन, फिक्स साइज है या फिल ऑल स्पेस अप टू MB में आप यहाँ पे असाइन करना चाहते हो, फिल टू मैक्सिमम अवेलेबल साइज, इसके ऊपर मैंने काम नहीं करें, जैसे इसे ओके कर लें। बाकी स्पेस मेरे पास कितनी बची, 28 GB, 28,471 MB बची, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट। अब अगर गलती से आप भूल भी गए हो, क्रिएट कर ले। अब क्या करोगे, यहाँ पे आ जाए माउंट में, माउंट पॉइंट में स्लैश कर ले, रूट कर ले, ठीक है, 64 सही है। अब यहाँ से आपने गलती से यहाँ पे 20,000 कर ले, यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ा ले, गलती से 20,000 कर ले, ओके कर ले यहाँ पे। अब ये हुआ कि इसमें रूट तो आपके पास 20,000 ऑर्डर बन की बनी, 8,000 MB के पास वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ गया, ऐसे मिले आपको। अगर आपको इसको यूज़ करना हो बाद में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करना है, इसकी पार्टीशन डिलीट करनी है, तो पार्टीशन यहाँ से डिलीट कर ले, डिलीट क्या कह रहे, यू आर अबाउट टू डिलीट द डिवाइस, ठीक है, डेव, और क्या SDA टू पार्टीशन जो बनाए थे डिलीट करना चाहते हो, जी वैसे डिलीट कर ले। तो वापस में से 28,471 की MB फाइल साइज में क्रिएट करना चाहता हूँ, क्रिएट कर ले, यहाँ पे रूट स्लैश स्लैश कर ले, और यहाँ पे साइज कितनी दी दिए, 28,471, कुछ ऐसे होगा, चेक कर सकते हो, देन यहाँ पे ओके कर ले से। अब क्या होगा, आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर ले, यहाँ पे बूट आपको दिखाई दे रहा है, स्वैप के ऊपर क्लिक कर ले तो स्वैप की स्पेस आपको नज़र आ रही है, रूट के ऊपर क्लिक करें तो रूट की स्पेस, रूट के ऊपर क्लिक करके इसे यहाँ पे रिसेट ना करें, डिलीट ना करें, एडिट ना करें, क्रिएट ना करें, जस्ट इन्हें नेक्स्ट कर ले। अब क्या करें, यहाँ पर द फॉलोइंग प्री एग्जिस्टिंग डिवाइसेस क्या हैव बीन सिलेक्टेड टू बी फॉर्मेटेड, जैसे आप विंडोज़ में, ठीक है, किसी ड्राइव को फॉर्मेट करते हो ड्यूरेशन क्या ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, सेम इसी में भी उसी तरह की फॉर्मेटिंग होती है, क्या होती है, सेम उसी तरह की फॉर्मेटिंग, ड्राइव जाके फॉर्मेट कर सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ पे क्या कह ले, फॉर्मेट क्या कह रहे, द पार्टीशनिंग ऑप्शन यू हैव सिलेक्टेड विल नाउ बी रिटर्न टू डिस्क, अब डिस्क के ऊपर क्या डेटा को राइट करें, एनी डेटा ऑन डिलीटेड और रिफॉर्मेटेड पार्टीशन में लॉस, डेटा लॉस हो जाएगी, इट्स ओके, राइट चेंज टू द डिस्क। अब इसे क्रिएट करें यहाँ पे, ठीक है, AGA2 की क्रिएशन हो रही है यहाँ पे, जब तक ये ड्राइव को जाए क्या करेगा, अच्छा क्रिएट कर ली। अब इसके बारे में करें क्या, वे इंस्टॉल बूट लोडर ऑन डेव, डीओ हमारे पास जैसे यहाँ पे फोल्डर होती है, सेम एक डायरेक्टरी ये भी, उसी के अंदर SDA जाके पड़ी, फिर हम लिनक्स स्विच को चेक कर लेंगे, रेड इंटरप्राइज लिनक्स डेव SDA2 की पार्टीशन करनी है, ठीक है, पार्टीशन कौन सी, रूट की हम लोग बात करें, नेक्स्ट कर लें, यहाँ पे रिट्रीविंग सेशन इंफॉर्मेशन फॉर रेड। इसमें एक चीज़ याद रखें, यहाँ भी स्टूडेंट्स गलत हो जाते हैं, द डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन ऑफ रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स इज अ बेसिक सर्वर इंस्टॉलेशन, बेसिक सर्वर के ऊपर काम करना चाहते हो, हालांकि मैंने इमेज उठाई थी वो सर्वर की उठाई थी, मैंने सर्वर के ऊपर काम नहीं करना है। यू कैन ऑप्शनली सिलेक्टेड डिफरेंट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर आप डेटाबेस के ऊपर काम करना चाहते हो तो डेटाबेस को सिलेक्ट करें, वेब के ऊपर काम करना चाहते तो वेब के ऊपर कर लें, ज़्यादातर आपके पास CLI मोड में मिलेगी, GUI मोड में नहीं होगी, मैंने जियो मोड के ऊपर काम करना है तो डेस्कटॉप के ऊपर आ जाए, यहाँ पे से कस्टमाइज कर ले, नेक्स्ट कस्टमाइज नाउ, इसमें मैंने काम करना है, इसमें से ज़्यादातर आपके पास CLI मोड में आते हैं तो मुझे जियो मोड चाहिए, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर ले,
ठीक है, इसकी आप एनवायरनमेंट के लिए मुझे केडी एनवायरनमेंट, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट चाहिए, बल्कि जीनोम है इस पर, ठीक है, तो मुझे केडी चाहिए, जीनो केडी दोनों के ऊपर काम कर सकेंगे। इसे नेक्स्ट करें, यहाँ पे चेकिंग डिफरेंसेस इन पैकेज सिलेक्टेड फॉर इंस्टॉलेशन। अब इसमें से जितने पैकेजेस होंगे, जितने भी हमें पैकेज होंगे, जितनी भी हमें फाइल होंगी, जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी, वो सारे यहाँ पे क्रिएट करके देन इंस्टॉलेशन होगी इसमें यहाँ पे। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ये तक कंप्लीट होगी जब आपके पास यहाँ पे अभी कितने 28/11/69, जब ये 11/69 तक फाइल हम कंप्लीट हो जाएंगे, इसके पैकेजेस हम कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम लोग आगे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे पहुँची, कहाँ तक इसके फॉर्म भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है, अभी हम फॉर्म इंस्टॉल हो रहे हैं, मेन पेजेज इसके 1667 दो पैकेज के बचे हैं 4 MB के, वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे, देन आगे देखते हैं। यहाँ पे पैकेजेस कंप्लीटेड, सारे पैकेजेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट में एक रिस्टार्ट भी होगी इसकी, देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर क्या बूट लोडर इंस्टॉल हो रही है, लास्ट में क्या जस्ट इन्हें रिस्टार्ट कर लिए। कंग्रेचुलेशन, योर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इंस्टॉल सेशन इज कम्प्लीट, प्लीज रिबूट योर इंस्टॉलेशन सिस्टम। इसे यहाँ पे रिबूट कर ले, ठीक, अब ये जाके रिस्टार्ट हो रहा है, जितने पैकेजेस इंस्टॉल की गई थी अब ये वापस रिलोड होगी, इसकी पहले इसकी चेकिंग होती है, उसके बाद ये जाके रिलोड होगी। इसे डोंट शो कर ले यहाँ पे, ये के पास बूट रेट, बूट के हम लोगों ने यहाँ पे साइज दी, फाइल साइज कितनी दी याद थी, 200 MB हम लोगों ने बूट साइज दी थी, और 4 GB हम लोगों ने स्वैप के लिए, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए थी, वर्चुअल मेमोरी के लिए, सेम एज अ रैम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रैम की जगह पे वो हमें यहाँ पे काम देगा, ऐसे रैम हम लोगों ने 2 GB असाइन की थी, ठीक है। अब आपके पास जो ये रेडियस इंस्टॉलेशन हम लोगों ने कर ली है, आपके पास जियो मोड में आएगी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आएगी, ठीक है, इसी के अंदर आप जाके CLI मोड भी यूज़ कर सकते हो, कमांड लाइन इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हो। अब ये तमाम सर्विसेज इसकी ऑन हो चुकी है रनिंग मोड में, और पासवर्ड हम लोगों ने क्या दिया था, पासवर्ड ही दिया था मेरे ख्याल से। तो कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ रहे मेरे पास, क्या है, वेलकम स्क्रीन, देयर आर फ्यू मोर स्टेप्स टू टेक बिफोर योर सिस्टम इज रेडी टू यूज, ठीक है मेरे भाई, कुछ और स्टेप फॉरवर्ड के लिए नहीं, यहाँ पे आपके पास वेलकम लाइसेंस इंफॉर्मेशन सेटअप, आगे पास के सेटअप सॉफ्टवेयर अपडेट्स और क्रिएट यूज़र डेट एंड टाइम एंड केरम, केरम को प्लान कैंसिल कर लेते हैं। आप जैसे यहाँ क्या करें, येस आई एग्री टू द लाइसेंस एग्रीमेंट, लेकिन आप लोग इन्हें पढ़ ले तो बेहतर होगा, ठीक है, थोड़ी इंग्लिश भी आप लोगों के पास हो जाएगी, सही हो जाएगी, समझ भी आएगी। फॉरवर्ड कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और सेटअप यहाँ पे से फॉरवर्ड, इसी भी फॉरवर्ड से हम फिनिश कर ले। अब यहाँ पर यूज़र क्रिएट कर ले, यूज़र में यहाँ पे CCIE रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे CCIE एकेडमी कर लेता हूँ फुल नेम, और पासवर्ड यहाँ पे क्या देता हूँ, पासवर्ड भी CCIE देता हूँ, चलो सही CCIE, ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं इसे यहाँ पे फॉरवर्ड, क्या करें, द चूजन पासवर्ड इज़ टू वीक, इट इज़ टू शॉर्ट, डू यू वॉन्ट टू यूज इट, बिल्कुल सही है भाई, gharibi.com है, गुजारा कर लेते हैं, सही मेरे भाई। अब यहाँ पे डेट टाइम देख लें, यहाँ पे July 15, ठीक है, टाइम सेट कर लें यहाँ पे, टाइम क्या है हमारे पास 18, बल्कि यहाँ पे आ रही, ठीक है 64, तो इसे फॉरवर्ड कर ले, केडम को ओके कर ले, यहाँ पे फिनिश। अब ये रिस्टार्ट होगा, जितनी सर्विसेज के ऑन थे सारे सर्विसेज स्टॉप कर लेंगे। अब इसमें ये है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जब ये शट डाउन होगा तो इसकी सर्विसेज सारे स्टॉप हो जाते हैं, जब ये ऑन होगा टाइम लगेगा तब इसके जितनी भी सर्विसेज चल रही है वो सारे ऑन हो जाते हैं। तो CCIE कैड भी आगे इसका फुल नेम था, ठीक है, यूज़र नेम क्या था, CCIE था, पासवर्ड भी CCIE, रूट पासवर्ड क्या दिया था, पासवर्ड दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास रेडेट
इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। इसकी टर्मिनल एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन इन टर्मिनल, टर्मिनल यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एल एस चेक कर ले मैं कहाँ पे, यहाँ पे, बल्कि मैं इसे यहाँ पे इजीली पावर ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामुअलैकुम।